हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 3 नवंबर और अभी हमें यहीं पर मौसी जी के घर पर, तो अभी हम निकल रहे हैं आज सिद्धबली के लिए। तो अभी हमारे साथ में जा रही है सिद्धबली, चंचल भी रेडी हो चुके हैं यहाँ पर और हमारी माता जी भी रेडी हो गई है। प्लान तो वैसे करी था सिद्धबली जाने का, पर घर से थोड़ा लेट हो गया था निकलने में, तो हमने कल के लिए कैंसिल कर दिया और आज जाएंगे सिद्धबली। गाइस तो अभी फिर से पहुंच चुके हैं हम चाची के घर के पास, तो अभी वहां पर जो है थोड़ा काम था तो वो चलते हैं। तो अभी फिर से पहुंच चुका अपनी बहन आकांक्षा के पास। आकांक्षा मुंह साफ कर ले। सो गाइस तो यहां पे प्रिंस भाई भी आ चुका है हमारा दिल्ली से और भाभी जी, और एनिवर्सरी का भाई कल है परसों भाई की एनिवर्सरी भी है। अच्छा मैंने ना क्या कहते हैं, मैंने भी क्या कहते हैं फिर गोली भी खानी थी, मैं बीबी की गोली खाती हूँ 12-1 बजे तक, कैसे रहती है मैंने खाई दिया। अभी तो दोबारा कभी ऐसा नहीं है, चलो मैं मान रही हूँ, मैं आज इसका दिमाग खराब कर रहा हूँ, छोटे हो छोटे की तरह रह गए, समझ गए, छोटे हो तो छोटे की तरह रह गए, उसी वजह से तो मैं चुप थी, मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे, खैर मैंने कुछ करना है, मैं ना ज्यादा इसी वजह से आई थी, मैंने कहा क्या पता कुछ हो, मिल गए फिर खान साहब, फिर मिल गए पैसे। सो गाइस तभी टाइम जो 10:30 बज चुका है, तो अब निकल रहे हैं हम, तो अभी टाइम जो 10:30 बज चुका है, तो अभी निकलते हैं फिर से अभी एक भैया के यहाँ पर, फिर वहाँ से जाएंगे हम सिद्धबली, और टाइम जो 10:30 में यही हो गया है। गाइस तो अभी हम पहुंच चुके थे भैया के घर पर, तो यहाँ का जो काम था हो चुका है, अब निकलते हैं सीधा सिद्धबली के लिए, और टाइम जो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 11:30 यहीं पे बज गया। और अभी ये है हमारी बुआरी, तो मेरा जो भतीजा है जिसकी शादी में आया था उन्हीं की बुआरी है। अरे गोल गोल रानी का खेल। अरे देखो हमारे दर्शकों को भी बताओ अपनी तथा रावण। तो अभी फिर से पहुंच चुके हैं हम सिद्धबली में, और सामने है सिद्धबली बाबा का मंदिर। सो गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं सिद्धबली मंदिर पे, और हमने है मंदिर, चलते हैं अभी। तो फाइनली फिर से पहुंच चुके हैं सिद्धबली मंदिर में, तो तीसरी बार है 2 महीने में चंचल के साथ। तो हमारी मम्मी जी की हालत जो है खराब हो गई है फिर से, थक चुके हैं सभी, और हमारी मम्मी कुछ ज़्यादा थक चुके हैं, और दूसरी बार आ रहे हैं सिद्धबली। गाइस तो ये है सिद्धबली मंदिर का सिद्धिया मंदिर, तो
सो गाइस, तो अभी यहाँ पर चल रहा है फिर से भंडारा और करता है सिद्धबली बाबा का प्रसाद ग्रहण। अभी सो गाइस, तो यहाँ पर भी ले लिया मैंने प्रसाद, तो चल रहे हैं अभी, जगह देख रहे हैं खाने की ढंग से अच्छे से। सो गाइस, तो फाइनली अभी सिद्धबली मंदिर जो है हमने घूम लिया, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, प्रसाद ग्रहण भी कर लिया है। तो अभी चलते हैं, पहले चंचल को छोड़ना पड़ेगा उसके घर, फिर निकलेंगे हम नानी जी के। तो गाइस, तो अभी उतार देते हैं यहाँ पे चंचल को, तो चेहरा चंचल का घर जहाँ से सुबह हम गए थे। और अभी बाय बाय बाय, बंद कर बंद कर, अरे जाना बंद कर, गाड़ी वाले रखे यार, बाय बाय। सो गाइस, तो फाइनली भी 1 बजे के करीब पहुंच चुके हैं हम नानी जी के घर, और देख सकते हो आप। तो यहां पर मेहमान आ चुके हैं और स्वागत करने के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है, स्वागत करने के लिए अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है इतने बड़े घर में। कहां गए गांव वाले? नानी जी नमस्ते। तो नहीं नमस्ते, तो छो नमस्ते। तो अभी यहाँ पर किसु और आरू भी आ चुके हैं स्कूल से, और अभी देखो क्या खा रहे हैं आप। किसु आरू क्या खा रहे हो? हेलो गाइस, हम स्कूल से आ सकते हैं, हम चीज खा रहे हैं। बाय। आरू भी स्कूल से आ गई है, चीज खा रही है। हम स्कूल नहीं जाती है। ये नहीं जाती है। हेलो। सो गाइस, तो बच्चे आ चुके हैं अभी स्कूल से, और टाइम जो है बच्चों का है। और ये रहा दूसरा अनमोल रतन मामी जी का। नमस्ते। वो भी यहाँ पर, हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नकुन नकुन मम्मी इसने इस मम्मी इस वाली ने नोचा है सुनन मारा मेरा। सो गाइस, तो फाइनली भी टाइम जो है 5 बज चुका है, और थोड़ी देर के लिए मैं जो थोड़ा सो गया था, तो अभी चाय वगैरह हमने सब पी ली है और चलते हैं अभी बाहर। तो अभी इधर हमारी नानी जी बैठी है, हमारी तन्नू बना रही है नानी जी के बाल, तो देख सकते हो आप कितनी सेवा करती है ये हमारी नानी जी की और अपनी दादी की। तो गाइस, तो अभी यहाँ पर किसु आ चुका है ट्यूशन से, तो इधर देख भाई, बाय कर। क्या पढ़ा ट्यूशन में? बस बिगड़ गया है लड़का, बिगड़। तो अभी यहाँ पर जो है सब बैठे हुए हैं, और रोज भाई और मैं जा रहे हैं अभी थोड़ा बाजार, क्योंकि मामी जी ने जो है थोड़ा सामान मंगाया है, तो चलते हैं अभी मार्केट और लाते हैं वहाँ से थोड़ा सामान। और ये हमारा खेत करेंगे उसको।
तो गाइस अभी टाइम जो 6:30 बज चुका है और आ चुका हूँ मैं यहाँ पर अपनी बड़ी भाभी जी के यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी किसु देखो यहाँ पर कैसे पढ़ाई कर रहा है और रो भी रहा है और कर रहा है अपना होमवर्क। तो अब शांत हो गया, देखो वीडियो में अब नहीं रो रहा। और यहाँ पे हमारी भाभी जी बैठी है और इधर आरू कर रही है आराम। तो बेचारी सो रखी थी, इसने देखा भैया को जैसे ही पिटाई होना शुरू हुई तो ये भी सो कर उठ गई। और बताइए भाभी कैसे हो आप, क्या कहना चाहोगे शादी को लेकर, एंजॉय करा? एंग्री विद यू। व्हाई? आई डोंट नो। अरे बोलिए ना, शर्मा कहाँ रहे हो? घर की ही जनता है हमारी। अच्छी थी शादी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, सबने एंजॉय किया। अच्छा, मैंने भी। अच्छा, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा डांस भी कर रखा था लेकिन मुझे हर जगह कैप्चर नहीं किया गया। सारा डांस कवर कराया मैंने, वो दूसरे चैनल में डालूंगा मैं पूरा डांस। और न्यू ईयर की जो रात में था वो न्यू ईयर की फुल मैंने 2 घंटे डांस किया है और उसमें मैं 1 मिनट की वीडियो में कहीं भी नहीं दिखी हूँ। तो और काम भी तो होते हैं भैया, मैं न्यू ईयर का तो व्लॉग बनाया ही नहीं तो है। व्लॉग नहीं, वो फोटोग्राफ कॉकटेल पार्टी का व्लॉग बना ही नहीं, वो सारा फोटोग्राफर में ऐड कर रखा है ना, वो सारा उसमें देखने को मिलेगा। नहीं वैसे भी नहीं हूँ मैं। मिलेगा मिलेगा। पर खाने की तैयारी चल रही है और हमारी साक्षी छील रही है अभी लहसुन। और चलते हैं अभी किचन में तो दिखाते हैं आपको आज हमारे सेफ कौन है। तो भाभी जी लगी हुई है यहाँ पर थोड़ा मामी जी की हेल्प करने पर और कुकर में आ रही है सूखी दबा दब। सो गाइस तो अभी यहाँ पर टाइम जो है डिनर का हो चुका है और यहाँ पर आ चुका है मेरा डिनर। तो अभी करते हैं इसको फिनिश और चलते हैं, फिर उसके बाद सबसे मिलाते हैं आपको। तो अभी मम्मी खा रही है यहाँ पर डिनर। सो गाइस तो अभी टाइम जो यहाँ पर 10 बज चुका है और खाना पीना जो था वो सबका हो चुका था। और अभी यहाँ पर जो है कल पैकिंग चल रही है, जो हमारे फौजी मामा जी थे तो उनकी छुट्टी आज ख़त्म हो गई है। तो स्पेशली रोज भाई की शादी के लिए आए थे छुट्टी लेकर, तो आज जो है पूरा 1 महीना ख़त्म हो चुका है और कल है उनकी ट्रेन। तो अभी उनकी पैकिंग कर रहे हैं हम, तो रख रहे हैं मामा जी का सामान पैक कर रहे हैं। और हमारी भाभी जी बैठी हैं यहीं और इधर हमारा रोहित भाई। डब्बे पड़े नहीं ऊपर से नाम। अभी करते हैं मामा जी की पैकिंग और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय। तो अभी चल रहा है मम्मी का और नानी का थोड़ा डिस्कशन। चाय बिना भी नहीं करनी।